हम कल अवयव का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, आज हम देखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कल भी क्वेश्चन किए थे लेकिन आज भी देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है तो मैं हर एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का 9वां का पहला क्वेश्चन। ये ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 0 4 3 1, ठीक है। तो अब देखो, मैं पहले बताया था कि इसको पहले हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी से रो इनटू कॉलम कैसे लिखते हैं। इसमें रो कितना ठो है, पंक्ति 1 2 3 मीन्स 3, ठीक, 3 ठो पंक्ति है। और कॉलम कितना ठो, 1 और 2 मीन्स 3 क्रॉस 2 में, ये भी वैसे अच्छे 3 क्रॉस 2 में है, ठीक, समझ आया कि नहीं। अब देखो इसमें दिया है, ये तो दिया है ए और बी के इक्वल टू। अब इसमें हम लोग को सिद्ध करना है ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, एक्स का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ए प्लस बी हो जाएगा, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो अब ए प्लस बी कर दो डायरेक्ट, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस -1 0 3 -2 4 1, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू आएगा, और यही जो है एक्स का वैल्यू है, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। तो अब देखो डायरेक्ट इसको ऐड कर दो, इसका इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, +2 -2 0 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 6 + 1 7 हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या आया, 0 0 3 8 8 7, यही हम लोग का आंसर है। बहुत इजी है, इसको बस सॉल्व करना है और फिर डायरेक्ट ऐड कर देना है, तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा भी दिया है, अब यो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि इक्वेशन दिया है 2a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले बताओ, पहले तो दिया है 2a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस 2a, ठीक। अब देखो यहाँ पे a दिया है, हम लोग को 2a निकालना है, तो सबसे पहले 2a निकाल लो। 2a निकालना मीन्स a के साथ 2 का गुणा करना, 3 0 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का 2 से करेंगे तो 6, 2 0 से तो 0 ही होगा, और 2 और 2 4 हो गया, ठीक। अब चलो अब कर देते हैं b माइनस 2a, x का वैल्यू आ जाएगा b माइनस 2a, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या दिया है, b का दिया है -2 0 1 3, माइनस 2a का क्या दिया है, 6 2 0 4, ठीक। तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 -6 -8, और 1 - 2 क्या होगा, -1, 0 - 0 0, 3 - 4 मीन्स -1, ये है हम लोग का आंसर, ठीक। कितना इजी है, ठीक। हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसा जैसे पूछेगा, और डायरेक्टली हम लोग को सॉल्व कर देना है क्या, अवयव को, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, कॉस थीटा, फिर मैट्रिक्स में दे दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, अगर यहाँ पे हम लोग इसका ऑर्डर निकालते हैं तो क्या होता है, इसको ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है कितना टू पंक्ति है, 1 और 2 ठो पंक्ति, स्तंभ कितना टू है, 2 ठो है, मीन्स 2 क्रॉस 2 का है ये ऑर्डर, ठीक है। इसमें भी क्या है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। इसमें कितना टू है, इसमें भी 2 क्रॉस 2 है। ये देखो पंक्ति 2 ठो है, स्तंभ भी कितना है, 2 है, पंक्ति 2 स्तंभ 2, ठीक, समझ आया ना। अब देखो इसको सरल करना है तो हम लोग को क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ऐसा दिया है मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, बीच में फिर एडिशन है, ठीक। तो हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो ये भी बहुत इजी है, ठीक। अब देखो कॉस थीटा का, अगर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, ठीक। अब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस
सॉरी माइनस कॉस थीटा साइन थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई है। अब देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, समझ आया ना कैसे मल्टीप्लाई किया, बहुत ईजी है, ठीक। अब इसका इसके साथ साइन थीटा का साइन थीटा से करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इसके साथ करूंगा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, या फिर तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा करो, वही बात है। अब देखो इसका इसके साथ करूंगा तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। अब इसका इसके साथ करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब क्या करना है हम लोग को, तो इसको तो सॉल्व कर चुके, ठीक है, अब हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड किस तरीके से होगा, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, मींस जैसे कि ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A11, ठीक, A11 लिखेंगे तो A11 का सा क्या होता है, प्लस या माइनस जो भी होता है वो A11 के साथ ही होता है, ठीक है। अगर A12 दिया है, A12, ठीक है, तो इसका भी क्या है, A12, तो A12 के साथ ही होना है, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें, हाँ ये चीज मैं नहीं बताया हूँ लेकिन अभी बता रहा हूँ, अगर 1 1 बोला, जैसे कि A11 बोला, मींस ये क्या है, पहला वाला रो है, मींस पंक्ति है, और ये क्या है, स्तंभ है, समझ आया कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ, जैसे कि A12, तो पहला वाला क्या है, पंक्ति है, मतलब प्रथम पंक्ति, लेकिन स्तंभ कौन सा है, 2 है, ठीक। ऐसे हम लोग को ये चीज समझ आनी चाहिए, ठीक। क्यों क्यों लिखा हूं मैं A11 A12 A31 A32 ऐसे क्यों लिखा है, तो ये इसका फर्स्ट वाला पंक्ति होता है, दूसरा वाला क्या होता है, स्तंभ होता है, ठीक, समझ आया। अब इसको ऐड करो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका क्या होगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका एडिशन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी। अब देखो ये क्या होगा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उसके जगह में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। आप देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मीन्स यहाँ का मान 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी वैसे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मीन्स हम लोग का आंसर क्या आएगा, 1 0 0 1, ये है हम लोगों का आंसर, ठीक है, समझ आया ना। ऐसे ही सॉल्व करना है मैट्रिक्स, बहुत इजी है, ठीक है। इनवर्स निकालना थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन वो भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 3x3 का है, ठीक है। 3x3 का अभी तक हम लोग एक भी नहीं देखे थे। 3x3 मीन्स क्या, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। देखो यहां से अगर हम लोग गिनेंगे, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, स्तंभ 1 2 3, तीन स्तंभ, इसमें 1 2 3, 1 2 3, मींस ये कितने का है, इसका ऑर्डर 3x3 का है, और इसमें भी क्या है, 3x3 का है, ठीक। आप हल, तो इसमें बोला क्या है, ये जो दिया है ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये दिया है, बी इक्वल टू ये दिया है, तो हम लोग को सिद्ध करना है 3a + b इक्वल टू 3a + 3b, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले a प्लस बी करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद 3a करेंगे 3b करेंगे और उसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो फिर अगर दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि 3a + b इक्वल टू 3a + 3b हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a प्लस बी करते हैं, तो चलो ऐड करो, 3 2 7, ठीक है, 8 6 4 1
थ्री माइनस फाइव प्लस क्या होगा फोर सिक्स वन जीरो टू थ्री टू। ठीक है, तो चलो ऐड करोगे तो क्या होगा ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि तीन धन चार क्या होगा यहाँ पे सात हो जाएगा जी, एट प्लस जीरो एट हो जाएगा और थ्री वन प्लस टू मीन्स थ्री हो जाएगा, टू प्लस सिक्स एट हो जाएगा, सिक्स प्लस टू एट हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो जाएगा, सॉरी थ्री प्लस थ्री क्या होगा सिक्स होगा। ठीक, सेवन प्लस वन एट हो जाएगा, फोर प्लस थ्री क्या होगा सेवन हो जाएगा, माइनस फाइव प्लस टू माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक, समझ आया ना, ए प्लस बी इक्वल टू आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो थ्री ए प्लस बी हम लोग को निकालना है, मीन्स अगर थ्री ए प्लस बी निकाले, थ्री ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा इसके साथ थ्री का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो सेवन एट 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 सेवन थ्री सिक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो थ्री ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा जी बताओ, अगर थ्री से मल्टीप्लाई करें इन साइड में तो क्या होगा, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन इक्कीस, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर चौबीस, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री सिक्स जा एटीन। ठीक है, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन और थ्री थ्री जा नाइन, मीन्स यहाँ पे क्या होगा माइनस नाइन। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन वन। ठीक है, ये हम लोग का क्या है इक्वेशन वन मान लो, या फिर तो लेफ्ट हैंड साइड मान लो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इधर थ्री ए प्लस थ्री बी, मीन्स पहले क्या करेंगे थ्री ए निकालेंगे और थ्री बी निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलो थ्री ए अगर आर एच एस की बात करें राइट हैंड साइड की, ठीक है, तो थ्री ए पहले निकालो, थ्री ए इक्वल टू क्या होगा थ्री के साथ पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए क्या है थ्री टू सेवन एट सिक्स फोर और वन थ्री माइनस फाइव। वैसे ही थ्री बी इक्वल टू क्या होगा थ्री इंटू बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फोर सिक्स वन जीरो टू थ्री टू। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो थ्री ए क्या आया, अगर थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थ्री जा नाइन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री वन जा थ्री, ठीक है, थ्री टू जा सिक्स, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, लेकिन यहाँ पे माइनस फिफ्टीन हो जाएगा। वैसे ही थ्री बी इक्वल टू क्या आएगा बताओ, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री जीरो जा जीरो मीन्स थ्री टू जा सिक्स, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या कर देना है ऐड करना है थ्री ए प्लस थ्री बी जो आया है। ठीक है, और देखना है कि दोनों साइड इक्वल होता है कि नहीं, थ्री ए प्लस थ्री बी। ठीक है, तो देखो नाइन सिक्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर एटीन ट्वेल्व थ्री नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री बी का वैल्यू क्या दिया है ट्वेल्व जीरो सिक्स एटीन सिक्स नाइन थ्री नाइन सिक्स। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दो जी, तो हम लोग का जो वैल्यू है वो आ गया, और फिर देख लेंगे कि अगर दोनों इक्वल आता है तो हम लोग का सही है नहीं तो गलत है। ठीक है, तो
अगर 9 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा, ठीक। और 24 प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा, 24 ही होगा, ठीक है। 3 प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। 6 प्लस 18 करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। 18 प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। 9 प्लस 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 18 होगा, ठीक है। 21 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। 12 प्लस 9 करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा, ठीक है। और माइनस 15 प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा, माइनस 9 होगा, ठीक। अब देखो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है क्या? अगर एक भी वैल्यू अलग है तो ये सिद्ध नहीं होगा, लेकिन देखो इसमें भी वही है और उसमें भी वही है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी हैव प्रूव्ड, ठीक है। समझ आया कि नहीं? लास्ट में ऐसे लिखना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव, ठीक है।